जी, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू की कतलियाँ। और हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है कुकिंग करने का, तो ये थोड़ा सा मैं अलग स्टाइल से आपको आज ये बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की बनती हैं जब आप सोचें कि आज खाने के लिए क्या बनाया जाए, और बहुत जल्दी आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आलू मैंने यहाँ आधा किलो लिए हैं, उनको मैंने छील के उनकी कतलियाँ काट के तो उनको पानी में भिगो के रखा हुआ है। साथ देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने दो मीडियम प्याज लिए हैं यहाँ पे, और उनको पतले पतले काट लीजिए। तीन सब्ज मिर्ची ली थी, एक को मैंने चॉप कर लिया, दो को मैंने मिडल से काट के रख लिया। एक मीडियम साइज का टमाटर और सब्ज धनिया हमें एक गट्ठी चाहिए होगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मिक्स मैंने किया हुआ है, दोनों को 1 टेबल स्पून चाहिए होगा। नमक अपने जायके के मुताबिक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी। और फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा, हमने इनको पहले डीप फ्राई करना है आलू को। तो बहुत इजी, बहुत कम मसालों के साथ बनने वाली रेसिपी, बहुत जल्दी बनने वाली है। तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं आलू। और देखिए, काफ़ी मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि हमने आलूओं को फ्राई करना है पहले, तो फिर उसके बाद जब हम फ्राई कर लेंगे तो हम ऑयल निकाल देंगे। तो आलू डालेंगे इसके अंदर और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हाई हीट पर रख के इनको फ्राई करना है हम लोगों ने। और इनको हम फ्राई कर देते हैं और दूसरी साइड पे हम इसका थोड़ा सा मसाला बना लेते हैं। हमने आधा कप ऑयल एक पैन में डाल दिया है, और इसमें हम सब्ज मिर्ची डालेंगे जो मैंने काट के मिडल से रखी थी, ये देखिए ऐसे। और साथ ही हम इसको जीरा डाल देंगे, जीरा डालेंगे। और आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं दूसरी साइड पे, जीरा थोड़ा गर्म होने देंगे और थोड़ी मिर्ची भी हमने फ्राई करनी है। अच्छी से फ्राई हो जाए तो फ्राई करके हमने मिर्ची को निकाल लेना है। हमने इसके साथ ही प्याज डाल देने हैं, और जब मिर्ची हमारी फ्राई हो जाएगी हम उसको निकाल लेंगे। प्याज डाल देने और हाई हीट पर रख के हमने इनको सॉफ्ट करना है, हल्का सा लाइट सा कलर देना है हमने इनके ऊपर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मिर्ची फ्राई हो चुकी है, तो हमने इनको निकाल लेना है। और अभी इस स्टेज पे हमने इसके अंदर टमाटर डालने हैं, टमाटर डाल देंगे ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, और हम मिर्ची को निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आलू सॉफ्ट भी हो चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे तेल से बाहर। अब हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, और साथ ही जो सब्ज़ मिर्ची हमने काट के रखी हुई थी वो डालेंगे, और इसको थोड़ा पकाएंगे जब तक ये थोड़ा टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन पक जाए। इतनी देर हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, टमाटर वगैरह, तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, नमक और हर जो मैंने रेड मिर्ची बताई थी, हल्दी डाल दिया। और डालने के बाद आप टेस्ट कर लीजिए, जितना आप डालना चाहते हैं, ज़्यादा डालना चाहते हैं कम, वो आपके ऊपर है। तो मैं थोड़ा कम मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज मिर्ची काफ़ी सारी यूज़ की है इसके अंदर। तो आप इसको पकाएंगे जब तक प्याज थोड़े मिक्स हो जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए, मसाला भून चुका है, और अब हम इसमें आलू की कतलियाँ डालेंगे। आलू की कतलियाँ मैंने कुछ को मैंने थोड़ा मैश कर लिया था, तोड़ लिया था, और कुछ मैंने साबुत रखी थी ताकि देखने में भी अच्छी लगे और मज़े की भी बने। तो ये हम डालेंगे आलू की कतलियाँ, सब्ज धनिया, साथ सब्ज मिर्ची जो हमने फ्राई की थी, वो ये सारी चीज़ें साथ डालेंगे। थोड़ी सी क्रश कर लीजिएगा उनको, मैश कर लीजिएगा आलू की कतलियों को, तो ज़्यादा फिर मज़े की लगती है देखने में भी, और खाने में भी कुछ साबुत रहने दीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिए। तो अब मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए दम दूँगी, हल्की हीट पर रख के दम देंगे इसको, तो फिर मैं आपको इनको सर्व करके इनका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। जी, ये लीजिए, आलू की कतलियाँ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये।
तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसे बने हैं। अगर आपको इसकी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का, तो वहाँ से जाके आप रिटर्न रेसिपी ले सकते हैं। तो इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ या फिर आप इसको सर्व कीजिए बॉयल्ड राइस के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।